टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में मास बात करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड असाइनमेंट्स, योर सिलेबस के इंट्रोडक्शंस हम आज करने वाले हैं। ओके कि इस सब फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका बीसीए का फिफ्थ सेमेस्टर है वो किन किन सब्जेक्टों से है एंड किसके कितने मार्क्स हैं और एग्ज़ाम्स वगैरह कब है और आपके सबसे मेन पॉइंट के असाइनमेंट्स आए हैं या नहीं। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स को ये इस चीज़ की वेरी वेरी कंफ्यूज्ड हैं कि असाइनमेंट्स आए हैं या नहीं, क्या मेरे को असाइनमेंट्स वही करने हैं या नहीं। इस बातों से रिलेटेड ये टॉपिक मैं मिड पॉइंट में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिफ्थ सेमेस्टर जो आपका इग्नू के बेसिक स्टूडेंट का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका BCS 015 यानी 51 है आपका, जो कि इंट्रोडक्शन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, इंजीनियरिंग का जो है आपका टॉपिक वो इस चीज़ में क्लियर आउट होगा। इस सब्जेक्ट के बाद आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे सब्जेक्ट को रेड आउट करने के बाद। इसमें इस सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक रिलेटेड हैं जो आप ऑलरेडी DBMS में या आपको सिस्टम एनालिसिस में इस चीज़ में आपको पढ़ने को मिला है, जैसे ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशन डायग्राम, DFD है ना, SQL, ये सारी चीज़ें आपको इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको पढ़ने को मिलेगी। सेकेंड है BCS 052 नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इस सब्जेक्ट में हम नेटवर्किंग से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि आप BCS 11 में पढ़े होंगे कुछ टॉपिक्स, फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में जो आपके BCS 41 है उससे में जो कुछ काफ़ी टॉपिक्स है VNP वगैरह, विंडो स्लाइडिंग, ये सारे टॉपिक को हम इस सब्जेक्ट फिर से पढ़ेंगे विद एक्स्ट्रा एफर्ट्स, विद एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, विद एक्स्ट्रा टॉपिक, राइट। BCS 053 आपका थर्ड सब्जेक्ट है वेब प्रोग्रामिंग। इसमें आप HTML, CSS, JavaScript, इन सारे जैसे टॉपिक्स को आप इस सब्जेक्ट में क्लियर आउट करोगे। जैसे आप MCS इस फोर्थ सेमेस्टर के MCSL 016 में आपने पढ़ा था, राइट। ये आपका जो सब्जेक्ट होने वाला है BCS 054 ये कुछ मैथ से रिलेटेड है, राइट। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स वगैरह है जिसको आपको क्लियर आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसमें ज़्यादा टॉपिक्स पूछते नहीं है। मैक्सिमम आपके 10 to 12 टॉपिक होंगे जिसको आपको क्लियर आउट करने की ज़रूरत है आपको इस पेपर को क्लियर करने के लिए, राइट। एंड सेकेंड सॉरी टू इंटरप्ट, तो हम बात कर रहे थे आपका BCS 055 बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें आपको कुछ इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, मतलब बिजनेस वेन वी स्टार्टेड बिजनेस फॉर कम्युनिकेशन, मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर टाइप्स, एंटरप्रेन्योर भी आपका एक कम्युनिकेशन ही हुआ, राइट। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को मतलब है ना, तो इस चीज़ को आपको डिफिनेशन वगैरह मतलब ऐसे नहीं पूछे जाते लाइक पैसेज रेट पैसेज जो आपका BCS MCS 015 में था और आपके FEG 2 में था, उस वही चीज़ आपके बिजनेस कम्युनिकेशंस में होंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। इसमें भी आपको 4-5 टॉपिक है वो क्लियर आउट करने की आवश्यकता है, राइट। पैराग्राफ एसेज वगैरह, एसेज तो नहीं पैराग्राफ वगैरह आता है, राइट। और ये जो तीन आपके सब्जेक्ट हैं वो आपके लैब के सब्जेक्ट हैं जो कि आपके प्रोग्रामिंग है, जो कि आपका मतलब इंटरनेट नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग का है, उसके बाद वेब प्रोग्रामिंग का लैब है और ये कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक का लैब है, राइट। अब बात करते हैं आपके असाइनमेंट्स की। बात सही है कि असाइनमेंट्स आए हुए हैं बट नॉट BCA स्टूडेंट। इग्नू अभी BCA स्टूडेंट और MCA स्टूडेंट का
असाइनमेंट्स नहीं निकाला गया है, अभी पुराना वाला ही है, तो आपको पुराने वाले करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी सितंबर चल रहा है और सेकेंड या थर्ड वीक तक 100% आपके असाइनमेंट्स आ जाएंगे। तब तक आप सिलेबस शुरू करो यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास, और हैवी हैवी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, और काफ़ी स्टूडेंट के मैंने सुना मैंने कि बैक लगे हुए हैं, तो आप देख लो। ठीक है, हमारा हमने एक पोल किया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट पोल, जिसमें हमने पूछा है कि आप 4 सब्जेक्ट मैंने चूज़ किए, क्योंकि बीसीए बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ वेरी इजी, इसके लिए 2-3 दिन बहुत होगा मेरे को क्लियर आउट करने के लिए। तो सिलेबस मैंने डाला हुआ है कि E51, 52 और 53-4 में से आपको 4 में से किस सब्जेक्ट को नीड है सबसे ज़्यादा शुरू करने की, तो आप प्लीज़ मेरे कम्युनिटी चेक करना, कम्युनिटी बॉक्स, और वहाँ पे प्लीज़ वोट करना किस सब्जेक्ट को आपको नीड है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट 54 के लिए डिमांडिंग है, फिर देखते हैं, मतलब इंटरनेट पोल इंटरनेट पे हुआ है तो सी लेट्स सी कि कौन से ज़्यादा सब्जेक्ट पे वोट आता है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है 5th सेमेस्टर का, ठीक है, सो यू हैव टू स्टार्ट योर सिलेबस बिकॉज इट्स ह्यूज सिलेबस ऑफ इग्नू, राइट। सो आप लोग को बहुत ज़्यादा नीड है कि आप सिलेबस को टॉपिक को कवर करो, क्योंकि अभी जो दो दो बार से एग्ज़ाम हो रहा है, बुक के किस कोने से क्वेश्चंस प्रोवाइड हो रहे हैं बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, और आप जैसे लोग कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेने से हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इस बार, बिकॉज़ ये क्वेश्चन पेपर तब आपके लिए गुड है, वेल एंड गुड है, जब आपके टॉपिक क्लियर है और आप 6 साल या 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को, 3 साल मतलब जो भी एक साल में दो पेपर होते हैं वो उन दोनों का, 3 साल यानी 6 पेपर होंगे करने के बाद, राइट। तो वो सब चीज़ है, आगे मैं वीडियोस में काफ़ी कंटिन्यू करूँगी वीडियोस को, बहुत इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स वगैरह होगा। वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और वीडियो को शेयर करना, आप जितने लाइक करोगे उतना वीडियो शेयर होगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं असाइनमेंट सॉल्यूशन सारे सेमेस्टर के एबीसी और एमसी स्टूडेंट को प्रोवाइड करती हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, जैसे असाइनमेंट्स आएंगे मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी एंड आंसर्स के साथ मैं इन्फॉर्म करूँगी, तो डोंट वरी एंड डोंट डोंट वरी विथ डोंट सिली मैसेज। सो टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।